हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेट प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑन सुटेबल डेटा लाइक डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो विल आइडेंटिफाई एंड डिलीट रोज दैट कंटेन डुप्लीकेटेड डेटा बाई कंसिडरिंग एन अप्रोप्रिएट डेटा सेट, एंड वी ऑल्सो डिलीट कॉलम्स दैट कंटेन अ सिंगल वैल्यू बाई कंसिडरिंग एन अप्रोप्रिएट डेटा सेट। सो देयर वी हैव प्रोग्राम। सो फर्स्ट वी आई जस्ट वॉन्ट टू इम्पोर्ट पांडास, एंड विद द हेल्प ऑफ पांडास ओनली वी आई फ्रेम डेटा सेट्स डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड रिपीटेटिव रोज। सो आई हैव जस्ट मेड वन डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, सो देर इज़ वन क्लास इन पांडास, डेटा फ्रेम इज क्लास। सो फॉर दैट वी रिक्वायर टू पैरामीटर्स, रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से डुप्लीकेटेड है। तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर कोई डुप्लीकेट है भी या नहीं, तो सबसे पहले मैं ये जो डेटा डेटा अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर, उससे एसोसिएटेड एक मेथड है डुप्लीकेटेड, उसको मैं रन करवा के देखूंगा। तो वो मेरे को एक पास करेगा बुलियन वैल्यू हर एक के लिए, हर एक रो के लिए एक बुलियन वैल्यू पास करेगा मेरे को ये। तो मेरे को ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर रो डुप्लीकेट है या नहीं है। जैसे कि देखिए, ये फॉल्स, ये पहली बार आया है, ये रो पहली बार आई है, पहली बार आने वाली सारी रोज फॉल्स हैं। दूसरी बार देखिए, 13th और 14th और 15th तीनों एक जैसी हैं। तो पहली बार आई तब तो फॉल्स था, ठीक है, लेकिन 14th बार आई तब ये ट्रू है, और फिर से मैंने इसको प्रिंट करवाया तब ये आया ट्रू। ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो दो हैं, लास्ट वाली जो दो हैं, बेसिकली ये तीनों ही डुप्लीकेटेड है, दोनों डुप्लीकेट है किसकी, इसकी, तो ये एक जैसी ही है तीनों, है ना, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया, इससे मेरे को ये पता चल गया कौन कौन सी डुप्लीकेटेड है। अब इससे मैंने क्या किया, अगर मेरे को इंडेक्स चाहिए, इसके अंदर वो रोज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डेटा के साथ में ये मैं कॉल कर दूंगा, यहाँ पर इस पूरे इसके अंदर मेरे पास में ये आ जाएगा, और उस डेटा से एसोसिएटेड जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो डुप्लीकेटेड रोज में आ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रू आ जाएंगे, ट्रू वाली इसके अंदर आएंगी, बाकी सब तो फॉल्स आएंगे, फॉल्स होंगी। तो 14th और 15th नंबर की जो रोज है वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया डुप्लीकेटेड रोज को, ठीक है, तो ये हमारी डुप्लीकेट है। फिर मैंने इसको ड्रॉप करना, अगर मेरे को रो को ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप से ये जो डुप्लीकेट्स है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, इस पर्टिकुलर मेथड को मैं कॉल करूँगा, और इसके अंदर एक चीज़ और पास करनी है मेरे को, इन प्लेस ट्रू, इसको मेरे को मतलब ट्रू करवाना ही है। ये क्या करता है कि ये अपडेट कर देगा इस पर्टिकुलर रो को, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये अपडेट नहीं करेगा। देखना, देखिए इसने अपडेट नहीं किया इसको, तो इसको अपडेट करवाना ज़रूरी है मेरे को, ठीक है, यहाँ पर भी 15 थी और ऊपर भी ये 15 ही है। अगर मेरे को इसको अपडेट करवाना है तो मैं इन प्लेस को ट्रू करवाऊँगा, ठीक है। अब देखिए ये 13 आएगी, ठीक है। सो सबसे पहले ये काम हो गया हमारा रोज को डिलीट करने का, अब है कॉलम्स को डिलीट करने का। कॉलम डिलीट करने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी रो है, कॉलम है, जिसके अंदर सारी वैल्यू एक जैसी है। देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम से सारी वैल्यू, हाँ देखिए अलग अलग है, यहाँ पर ओवरकास्ट भी है, रेनी भी है, इसमें हॉट एंड कूल अलग अलग है, इसके अंदर भी थोड़ा वेरिएशन है, इसके अंदर भी वेरिएशन है, लेकिन इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है इंजॉय स्पॉट के अंदर। तो देखते हैं ये अपना प्रोग्राम वो उसको डिटेक्ट कर पाता है, कैसे करता है। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास को, ऊपर वाला डेटा फ्रेम यूज़ कर लेंगे, ठीक है हम। तो मैंने एक कॉलम बनाई, मतलब एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर हम उन सारी कॉलम्स को अपेंड करते जाएंगे जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। सो मैंने चेक किया, सबसे पहले कॉलम्स, जितनी भी कॉलम्स है हमारी डेटा डॉट कॉलम से मैं सारी कॉलम्स उठा लूँगा, और मैं इसको एक एक करके लूप लगा दूंगा इसके ऊपर। अब डेटा के अंदर मैं पर्टिकुलर कॉलम डालूंगा तो मेरे पास पूरा डेटा सेट आ जाएगा, उससे उस कॉलम से एसोसिएटेड पूरा डेटा सेट आ जाएगा। अब मैं उससे एसोसिएटेड एक फंक्शन है एन यूनिक फंक्शन मेथड, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि सारी जो वैल्यूज है वो यूनिक है या नहीं है। अगर एक भी यूनिक नहीं है इसमें तो वो क्या कर देगा, वो जीरो पास कर देगा, ठीक है।
तो देखिए इसके लिए चलाया सबसे पहले अपनों ने, इसके लिए देखिए यूनिक नहीं है तो यहाँ पर इसके अंदर अपेंड नहीं करेगा, वापिस से फॉर लूप फिर इसके लिए चलेगा, यूनिक नहीं है तो इसके अंदर फिर से अपेंड नहीं करेगा। जितनी बार ये कितनी बार चलता देखते हैं अपन। मैं प्रिंट हेलो कर देता हूँ इसको, प्रिंट हेलो, तो अपन देखेंगे कि ये कितनी बार चलता है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए 1 2 3 4 5, 5 बार, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ तो ठीक तो मैंने क्या किया, इसको रन करवाया फॉर लूप को, और जितनी बार ये यहाँ पर ट्रू हुआ, सिर्फ एक बार ट्रू हुआ, ये फॉर लूप के बाहर रखता हूँ मैं, तब ये 5 बार चलेगा, ना इसके अंदर तो एक बार ही चलेगा, है ना, इसको बाहर रखता हूँ तो ये 5 बार चलेगा, ठीक है। 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार क्या है, यूनिक नहीं है, 5वीं बार ये यूनिक है। ये मतलब देखो, पहली बार चला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार आएगा, फिर बाद में इसके अंदर अपेंड हो जाएगा और अपेंड होकर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट होकर, अपेंड होकर, और इसको इस लिस्ट में अपेंड करवा कर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब अगर हमें कॉलम को, एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हमने ये रेक्टिफाई कर लिया कौन सी कॉलम यूनिक वैल्यू रखती है, मतलब एक जैसी वैल्यू रखती है, ठीक है, वेरिएशन नहीं है, कौन सी कॉलम में वेरिएशन नहीं है, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। और वो पर्टिकुलर लिस्ट, जो कॉलम की लिस्ट है, कॉलम्स की जो लिस्ट है, मैं पास कर दूंगा ड्रॉप वाले में कि ये कॉलम्स हमें डिलीट करनी है। तो चूंकि एक बार ही इसके अंदर अपेंड हुआ है, एक ही चीज़ अपेंड हुई है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 कर दो आप, और इन प्लेस टू ये कहता है कि भाई अपडेट करो, ये फंक्शन लगाने के बाद में अपडेट करना ज़रूरी है, तो इन प्लेस टू करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये देखिए मेरा ये जो ये पर्टिकुलर कॉलम है इंजॉय स्पोर्ट, ये कॉलम डिलीट हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, अगर कोई डाउट है सो कमेंट कीजिए, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। इसके अंदर फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस एस रन एंड कंट्रोल प्लस एस रन, वो 4 बार आ रहा था ना गाइस, क्योंकि वो अपडेट हो गया था, उसने अपडेट कर दिया था, फिर बाद में मैं बार बार इसको रन करवा रहा था तो अपडेटेड आ रहा था। अब अगर मैं फिर से प्रिंट करवाऊंगा ना हेलो, तो वो 4 बार नहीं, अगर मैं शुरू शुरुआत से करूंगा उसके अंदर तो 5 बार आएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, प्रिंट रन करवाया मैंने इसको, फिर इसको रन करवाया तो देखिए 1 2 3 4 5, 4 इसलिए आ रहा था क्योंकि एक वो डिलीट हो चुकी थी, वो अपडेट हो चुका था। अब मैं वापस से अगर इसको रन करवाऊंगा ना, अब 4 आएगा, देखना 1 2 3 4, और यहाँ पर भी एक कॉलम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि भाई साहब कोई सिंगल है, खाली है, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, तो इस खाली वाला आ रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपडेट हो चुका था पिछले रन में, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।